प्रेमी तुम्हारे दीदार में कल से दिनक दिनक आइए परम पूज्य महाराज जी का पदार्पण हो चुका है, अब सही भक्तों के मध्य पधार चुके हैं। सशस्त्र स्वग सुमती काम काम वीरवासिनी ओम Bye.
जगत नियंता जगत काल जगत सृष्टा भक्तवांचा कल्प करुण भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु पति पति भगवान महादेव के रूप में विराजमान श्री शक्तिश्वर महादेव अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की असीम अनुकंपा कृपा एवं करुणा से श्री शक्ति शक्तिश्वर महादेव मंदिर सेवा समिति के शुभ आयोजकत्व में और श्री हेड़ा खान महाराज जी के कृपा पात्र श्री बाबाजी महाराज एवं विलग विलग क्षेत्रों से पधारे श्री विद्वान मंडली संत मंडली के परम पावन पवित्र सानिध्य में बैठ करके आप सभी बाड़ी चीना और छानी गोलजू मंदिर के आसपास के जितने भी गांव हैं एवं समस्त बाड़ी चीना मार्केट के सभी प्रबुद्ध जनों के शुभ सहयोग से श्री शिव महापुराण को माध्यम बना करके जीवन का विषय है सत्संग वो आज छह दिन से हम लोग भगवान की कृपा से सदरो प्राप्त कर रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई अथवा राम कृपा बिनु सुलभ न सोई भाग्योदयेन बहुजनम समर्जते न सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशं तदा हिदयते उदयते विवेक भाग्योदयेन बहुजनम समर्जते एक दम से अलक्ष्य कोई वस्तु नहीं होती है। ध्यान दी हम कहेंगे हमारे भाग्य हो में होगा तो मिल जाएगा सजनों कर्म तो करना ही पड़ेगा। योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरुव चर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। जब ये पांच हमारे जीवन में अनुकूल होते हैं ध्यान योग लगन ग्रह बार और तिथि ये जब पांच हमारे जीवन में अनुकूल होते हैं सजनों योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष रुत राम जन्म सुख मूल। जब पांच हमारे जीवन में अनुकूल होते हैं तब हमारे हृदय में राम का प्राकट्य होता है। रामचरितमानस में एक योग लगन ग्रह बार तिथि ये सब अनुकूल थे। तो योग में योग कई प्रकार का होता है। योग कर्म भी योग है संन्यास भी योग है और ध्यान भी योग है ज्ञान भी योग है सब योग है। अर्जुन विषाद भी योग है विषाद योगो राम प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद में पढ़ा था प्रथम अध्याय विषाद योग है और 18वां अध्याय कर्म संन्यास योग है। तो अर्जुन को भगवान ने ऐसा ज्ञान का उपदेश किया कि विषाद योग से कर्म संन्यास योग तक पहुंचा। तो विषाद भी योग है तो सबसे सरल योग क्या है ध्यान भी योग है पर ध्यान लगाना कठिन है इतना आसान नहीं है।
ध्यान लगाने के लिए भी, ध्यान की स्थिति तक पहुंचने के लिए भी आपको सर्वप्रथम भगवान का नाम जप उपासना ये सब करना ही पड़ेगा। बिना जप किए, बिना साधन किए ध्यान की स्थिति तक पहुंचना कठिन है। अगर हम एक सज्जन के घर गए, ध्यान लगाते थे, तो उनसे पूछा रोज शाम को व्यापार दुकान सब बंद करके आए तो कहाँ, बोले महाराज थोड़ा ध्यान लगा करके आते हैं, एक हमारी कॉलोनी में ही बड़ा दिव्य एक ध्यान केंद्र बना हुआ है, वहाँ जाते हैं रोज शाम को, ऑफिस से आकर के दुकान से आके हाथ पांव धो के फिर वहाँ ध्यान के लिए जाते हैं। तुमने कहा ईमानदारी से बताना कितने समय हो गया सेठ जी, बोले महाराज बहुत समय हो गया, सालों वर्षों बीत गया। तुमने कहा ईमानदारी से बताना क्या आपका कभी ऐसा ध्यान एकीकार हुआ भगवान से, कभी ध्यान आपका लगा? तो कहते महाराज क्या बताएं आपसे, झूठ क्या बोलें, बड़े मोटे मोटे डल्लब के गद्दे बिछे रहते हैं, चारों तरफ बढ़िया एसी चला रहता है और दिन भर दुकान से थक करके आते हैं, वहां बैठ के नींद दो घंटा बढ़िया। तो ध्यान लगाना भी इतना आसान नहीं है, कठिन है। तो सबसे सरल है कर्म योग, ज्ञान योग भी सरल है, ज्ञान योग भी कठिन है। ज्ञान अर्जन करना तो सरल है, बड़े बड़े डिग्री कॉलेज पैसे के बल पर चाहे जैसे काशी वृंदावन मथुरा जाना, थोड़ा इको भी कम। तो ज्ञान अर्जन करना तो सरल है पर ज्ञान को पचाना कठिन है। ज्ञान प्राप्त करके जो अभिमान आ गया, अहंकार आ गया कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं विद्वान हूँ, तो सजनों ज्ञान अपच हो गया, इसका मतलब ज्ञान पचा नहीं। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या को अर्जन करके विनय नहीं आई, अहंकार आ गया, तो समझो ज्ञान पचा नहीं, अपच हो गया। तो ज्ञान अर्जन करना भी कठिन, सबसे सरल है कर्मयोग। कर्म एक ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज है सजनों, जो न चाहते हुए भी जीव करता ही है, करना ही पड़ता है। झाड़ू लगाना, रोटी बनाना, खेत में गुड़ाई करना, ये सब कर्म योग है। पर कर्म को करें कैसे, प्रश्न ये है। स्कूल पढ़ना तो ये सब कर्म की श्रेणी में आता है, पर कर्म करें कैसे। कर्म दो प्रकार का होता है, एक होता है नमित कर्म, एक होता है निमित्त कर्म। निमित्त मात्रम भव सत्य साचिन, भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा। तो नमित कर्म माने कि यार माता पिता ने कह रखा है, गुरु जी ने कहा है, तो करना है। भार समझ करके, बोझ समझ करके जो किया जाए उसको नमित कर्म कहते हैं, और सौभाग्य समझ करके जो किया जाए, तप करना, उपासना करना, मंदिर जाना, ये सब हमारा सौभाग्य है, अपना सौभाग्य समझ करके हमारा धर्म है ये सब करना, ऐसा समझ के जो किया जाए उसको निमित्त कर्म कहते हैं। तो योग में सबसे पहले हमारा कर्म योग सिद्ध हो जाए। कर्म योग कैसे सिद्ध होगा, कर्म ही पूजा है, लिखा रहता है ट्रकों में भी। तो कर्म को करें कैसे, झाड़ू लगाए तो सीताराम राधे श्याम भगवान का नाम लेते हुए कर्म करें, कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, न घर छोड़ना है न गृहस्थ छोड़ना है। तो सजनों जहाँ है, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में है, जो भगवान ने सेवा दी है उसको भगवान का मान करके, भगवान का स्मरण करके भी किया जाए तो हमारा कर्म योग सिद्ध हो जाएगा। तो योग में कर्म योग सिद्ध हो जाए, लगन योग, लगन लगन में हमें हरि नाम की लगन लग जाए। ग्रह में राहु बिगड़े, शनि बिगड़े, केतु बिगड़े, कोई बात नहीं, बिगड़ने दो, हमारे सदगुरु का अनुग्रह यदि हमारे ऊपर होगा, हमारे भगवान का अनुग्रह यदि हमारे ऊपर होगा, तो ये ग्रह भी सब भगवान के ही चेले हैं, कोई अलक्ष्य नहीं है। राहु केतु शनि सब भगवान के चेले हैं, एक भगवान की उपासना करने से सब अपने अनुकूल हो जाते हैं। तो ग्रह में सदगुरु और भगवान का अनुग्रह यदि हमारे ऊपर हो तो कोई ग्रह कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा।
और बार में हमें एतबार हो जाए, एतबार माने विश्वास पक्का हो जाए भगवान के चरणों में। और तिथि में अतिथि के रूप में जो भी हमारे घर पर आए, जो भी हमारे हृदय में आए, जो भी हमारे मन में अच्छी बात आए, चाहे शब्द रूपी अतिथि हो, चाहे व्यक्ति रूपी अतिथि हो, चाहे विचार रूपी अतिथि हो, यदि अच्छी बात अच्छे विचार हमारे मन में आते हैं तो अच्छे विचार रूपी अतिथि आता है तो सर्वोत्तम अतिथि हुई है। तो सज्जनों अतिथि में अतिथि के रूप में जो भी हमारे मन में आए, कभी हम एकांत में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, चाहे जंगल में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, एकांत बैठे हैं, एकाएक मन में आया कि चलो यार मंदिर चलते हैं, ये एकांत में हमारे मन में आए चलो यार हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, या चलो यार पुराने संत का दर्शन कर आते हैं, ये शब्द रूपी अतिथि हमारे जीवन में आता है, इसका सत्कार कीजिए। और जो आता है उसको कीजिए। तो सज्जनों योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरुचर हर्ष दुत बड़े राम जन्म सुखमूल। ये पांच हमारे जीवन में अनुकूल हो जाते हैं तो हृदय में फिर राम जी का प्राकट्य हो जाता है। ये शंकर भगवान योग लगन ग्रह बार तिथि याद देखे विचार कीजिए एक बात। तो कथा के श्रृंखला में सजनों कल हम लोगों ने माँ जगत जननी जगदम्बा का दिव्य दर्शन किया, माँ का प्राकृतिक पर्वतराज हिमालय के घर हुआ। आज पर्वतराज हिमालय और माँ मैना ये दोनों की खुशी का प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, क्यों ना हो। बेटी यदि घर में आए, पुत्र हमारे घर में आए सजनों, बेटा जन्म ले लेकिन आजकल लोग बेटियों को भी पेट में बेटी आ गई, गर्भ में भी कन्या आ गई तो कई सास ससुरों का मुंह पहले सिकुड़ जाता है, अरे कन्या आ गई फिर चली है जाए चलो हमसे। तो सजनों राम भक्ति बिटिया भली राम विमुख नहीं पूत सबरी तो वे भूत। तो ऐसे बेटों से क्या करना है सज्जनों, बेटी घर में हो परम सौभाग्य है, लेकिन जब बेटी हमारे घर में आती है तो सज्जनों कई प्रकार से दुष्ट डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, पेट में कैंची लगाते हैं, गर्भपात जैसा महापाप कर देते हैं, बहुत बड़ा पाप है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। तो 1998-1995 तक बहुत गर्भपात हुए हैं और उसी का कारण ये है कि आज हमारे बेटों के लिए कन्याएं नहीं मिल रही है, यही उसका कारण है, बहुत गर्भपात हुए हैं उस समय हमें याद है। तो बाद में फिर सरकार ने इस पर रोक लगाई, कई चीजें हुई, तब जा करके फिर हुआ कि भैया बच्चे दो ही अच्छे, अब दो बच्चों में बेटा ही सबको चाहिए, बेटी किसी को नहीं चाहिए, अच्छी बहू सबको चाहिए पर बेटी किसी को नहीं चाहिए, ये दुर्भाग्य है। तो सजनों जब बेटी पेट में आती है, भारत को जगत गुरु विश्व गुरु, भारत में गौ हत्या बंद नहीं होगी तब तक भारत विश्व गुरु बन ही नहीं सकता, लाख प्रयास कर ले। आज सूर्योदय बाद में होता है लेकिन सजनों हमारी पृथ्वी पर गाय का रक्त पहले गिर जाता है और कन्याएं कूड़े के ढेर में मिल रही है, अखबार पेपर से पढ़ते हैं, कूड़े के ढेर में कन्याएं मिलती है, कांटे की झाड़ियों में कन्याएं मिल रही है, एक दिन की दो दिन की, तो कैसे विश्व गुरु बनेगा। पर शास्त्र में लिखा है जब वो दुष्ट डॉक्टर के पास कन्या की गर्भपात करने के लिए मां जाती है तो सजनों तो कन्या माँ के पेट में छुपने का प्रयास करती है, छोटी सी कन्या कभी इस कोने छिपती है कभी उस कोने छिपती है, जब उसको लगता है कि आज मेरी जन्मदात्री माँ, माँ से बड़ा हितैषी और माँ से बड़ी रक्षक इस दुनिया में कोई नहीं होती है,
और आज वो माही मेरी हत्यारण बन गई, कौन मुझे बचाएगा। तब वो भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु हाथ जोड़ कर कर रही कन्या भ्रूण ग्वार, मां मुझसे मत छीन तू जीने का अधिकार, मां मुझको तो कोख में क्यों देती हो मार, मेरे भी अरमान है छूं मैं आकाश। बहुत सरल है कोख में मुझ पर करना वार, हिम्मत है तो मां मुझे पैदा करके मां मुझको तू जन्म दे, मेरी है ये आस बन करके मैं कल्पना छूंगी आकाश। आज कन्याएं क्या नहीं कर रही है, हवाई जहाज उड़ा रही है साहब, चंद्रमा पर पहुंच गई है जहां बेटे नहीं पहुंच पाते। बेटे तो माता पिता की सेवा करें कि न करें गारंटी नहीं है, क्योंकि आज हमारा नवयुवक जो समाज है नशे की ओर बहुत लिप्त होता जा रहा है, नशे की ओर इतना लिप्त हो रहा है तो क्या कहें, बहुत कष्ट होता है देखकर। इसलिए सजनों हम आपसे निवेदन करते हैं, लालेत पंच वर्षाणी दस वर्षाणी ताड़े, जब बालक 5 वर्ष ऊपर को प्रवेश करे तो बालक का अच्छे संस्कार, हनुमान 10 वर्षाणी ताड़े, 5 वर्ष बालक ऊपर को जाए तो गलत कार्य करने में उसको डांटना भी है ताड़ना भी है तभी उसमें संस्कार पड़ेगा। इसलिए सजनों मां मुझको तू जन्म दे, मेरी है ये आस बन करके मैं कल्पना छूंगी आकाश, भैया के खातिर मुझे जन्म दे एक बार, बिन बहना कैसे बने ये राखी का त्योहार। तो इसलिए सजनों बालक घर में आए तो हमारा भाग्य है और कन्या घर में आ जाए तो परम सौभाग्य। तो जिस घर में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, बड़ा जेंटल आना हुई अगली बार। तो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, तो इसलिए सजनों कन्या घर में आए तो उसको किसी प्रकार गर्भपात बहुत बड़ा पाप है, नहीं करना चाहिए। ऋषिकेश में कथा होती थी हमारे महाराज जी की, तो एक बालक छोटा सा 6-7 वर्ष का बालक और 4-5 घंटा 6 घंटा कथा होती, सुबह 9 से 12 शाम को 3 से 6 भागवत कथा। तो बालक सबसे आगे
इतनी बड़ी उसकी चुटिया और बड़ा बढ़िया धोती कुर्ता पहन करके सबसे आगे बैठता था कथा में। तो एक दिन उसकी मैया आई, माँ आई, नाना जी आए, नानी आई, सब लोग मिलने आए। तो उसकी माँ बेचारी सबसे आगे बैठ के रोने लगी, क्या हुआ? कहा महाराज, उसके पिताजी ने कहा, महाराज जी 1.5 लाख भगवान का नाम रोज जप करती है इसी आशा में कि मुझे गिरधर कब मिलेगा, भगवान की प्राप्ति कब होगी। तो बालक कौन है? कहा महाराज जी बालक ने जन्म लिया है। पिता कहाँ है? कहा महाराज क्या बताएं, जब ये बालक अपनी माँ के गर्भ में था तो इंडियन गैस का बहुत बड़े अफसर के यहाँ साथ में हमने अपनी कन्या का शादी करी, विवाह किया। विवाह के 6 महीना साल भर हुआ था कि ये मेरी बेटी गर्भवती हुई और पति ने कहा गर्भपात करा लो, बड़े घरों के बड़े घर है, बड़ा अफसर है बड़ा। तो बेटी ने, उस कन्या ने श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज का सत्संग किया था और राम सुखदास जी महाराज ने गर्भपात एक अभिशाप करके पुस्तक ही लिखी है। तो कहा महाराज, कन्या ने कहा पतिदेव मैं ऐसा पाप नहीं कर सकती, बहुत दिन बीत गया घर में, थोड़ा कलह क्लेश बढ़ा। और अंत में पति ने कहा यदि गर्भपात नहीं करती है तो मुझे तलाक दे दे। कहा मंजूर है तलाक, जब चाहो तब ले लो, हम भगवान की शरण में, हमने अच्छा सोच करके ही विवाह किया था। यदि आपको इस प्रकार से आपके मन में अभिलाषा है तो जब चाहो तब मुझे तलाक दे दीजिए, तब के लिए तो परिवार ऋषिकेश में रहता है, गीता भवन 3 नंबर में, अब तो वृंदावन रहता है। तो सजनों, तो उसकी पत्नी ने तलाक दिया और स्वामी राम सुखदास जी महाराज क्या ऋषिकेश में आके रहने लगी और 1 लाख नित्य नाम जप करती, उसके बाद ही भोजन करती थी, उसमें भले 2 दिन लग जाए, एक टाइम भोजन करती रात को 9 बजे 10 बजे, कि भगवान के नाम जप में ही इतना समय लग जाता था, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते, और माई के आगे तलाक लेकर के, और बाद में उस बालक ने जन्म लिया, इतना दिव्य संस्कारी बालक, क्या कहना। प्रातः उठता स्नान करके वहां कम से कम 100-200 तो संत ही गए थे कथा, वृंदावन से सारी जमात गई थी, ट्रेन की एक बोगी पूरी महात्माओं से भरी, और सब संत ही संत थे। और जब प्रातः बालक उठता स्नान करता, सबसे पहले सब संतों के चरणों में लोट के साष्टांग दंडवत प्रणाम, और रोज गंगा जी किनारे प्रातः बैठ करके नाम जप, भगवान का कीर्तन पाठ, उसके बाद अपना स्कूल, पढ़ाई में भी 1 नंबर था। जो भगवान की उपासना करेगा, बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरो क्लेश विकार, बल बुद्धि और विद्या देह मोहि, और तीनों के दाता हनुमान जी है, हनुमान जी के पास बल भी है, बुद्धि भी है और विद्या भी है, और ये तीनों जब एक साथ होते हैं तब मति अच्छी होती है। बड़ा अच्छा है, खूब अच्छा बल है, शरीर हष्ट पुष्ट खूब बढ़िया है, बल के साथ यदि बुद्धि नहीं होगी तो व्यक्ति बल का दुरुपयोग करेगा, किसी को सताएगा, कहीं कन्याएं रास्ते से जा रहे होंगे तो ऐसे खड़े हो जाएगा। अभी एक सज्जन बता रहे कि महाराज हमारे गांव में ही है, बहुत चुस्त हो गया है, गांव की बहन बेटी रास्ते से जाती है तो ऐसे खड़े हो जाता है रास्ते में, किसी कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं। तो बल के साथ यदि बुद्धि नहीं होगी तो सज्जन, इसलिए भगवान ने बल बुद्धि विद्या, बल और विद्या के बीच में बुद्धि को रखा है। क्यों? क्योंकि बल के साथ भी बुद्धि चाहिए और विद्या के साथ भी बुद्धि चाहिए। विद्या के साथ यदि बुद्धि नहीं होगी तो जगह जगह जाके कुतर्क करेगा, कहीं कुछ करेगा, बुद्धि का दुरुपयोग करेगा, ज्ञान का दुरुपयोग करेगा। इसलिए बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु क्लेश विकार,
बल के साथ भी बुद्धि चाहिए और विद्या के साथ भी बुद्धि चाहिए। विद्या के साथ बुद्धि नहीं होगी तो पहले मैंने आपको बताया कि विद्या के साथ बुद्धि नहीं होगी तो सज्जन फिर विद्या का भी दुरुपयोग करेगा, अभिमान आएगा अंदर, अरे हम तो इतने पढ़े लिखे तो मूर्ख। तो सज्जन हो, इसलिए श्री शंकर भगवान की, तो सती ने जन्म लिया तो आज पर्वतराज हिमालय और मां मैना इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो सज्जनों खुशी का इनके ठिकाना नहीं रहा और माता ने जन्म लिया, पार्वती का जन्म पर्वतराज हिमालय के जन्म हुआ। ये शंकर भगवान की, हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ चंद्रो, हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ चंद्रो, विश्वनाथ सती ने जब जन्म लिया सजनों, तो सती का जब जन्म हुआ तो हर पिता को कन्या का घर में जन्म हो तो थोड़ी चिंता रहती है कि कन्या को दूल्हा कैसे मिलेगा। तो इतने में सजनों नारद जी का आगमन पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हो गए, कन्या को लेकर के आए, महाराज हाँ मेरी कन्या का हाथ देख रहा, कैसा इसको घर मिलेगा, कैसा इसको घर मिलेगा, कैसी इसकी पढ़ाई हो, थोड़ा देखिए विचार कीजिए। मत्सुता जातकं ब्रूहि गुण दोष समुद्भवं कश्यप प्रिया भाग्यवती भविष्यति सुता मम। मत्सुता जातकं ब्रूहि, चरणों में दंडवत, हाथ देख करके इसका भविष्य बताए। गुण दोष समुद्भवं कश्यप प्रिया भाग्यवती भविष्यति सुता नमः। महाराज मेरी कन्या का हाथ देखिए। वास्तव में सजनों सुलक्षणा बेटी जब घर में जन्म लेकर के आती है तो तीन कुलों का उद्धार होता है, पिता का कुल, माता का कुल और ससुर का कुल, पति का कुल। पति माता और पिता सुलक्षणा बेटी तीन कुलों का उद्धार करती है। और नारद जी ने कहा पर्वतराज तुम्हारे भाग्य की हम किन शब्दों में सराहना करें। एक नाम सुमेरे संसार त्रिय चढ़ी है पतिव्रत सिधारा। महाराज आपकी बेटी ऐसी पतिव्रता होगी कि जो स्त्री इसका नाम भी ले लेगी। यही कर नाम सुमेरी संसारा त्रिय चढ़ी है पतिव्रत सिधारा। आपकी कन्या का जो स्त्री नाम सिर्फ ले लेगी वो पतिव्रता हो जाएगी। पातिव्रत धर्म का पालन कर लेना
सदरों तलवार की धार पर चलने जैसा है। जैसे साधु बनना तो सरल है, साधु तो एक कपड़े का नाम, ठीक है, लाल पीला सफेद कुछ भी पहन लो, तो साधु बनना सरल है, पर साधुता को निभाना ये तलवार की धार पर चलने जैसा है। कितनी कठिन साधना। तो नारद जी कहते हैं हमारा अशी धारा, अशी माने होता तलवार, और धारा माने धारा में चलने के समान। पार्थिव धर्म और साधु धर्म को निभाना तलवार की धार पर चलने जैसा है। अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष का चिंतन भी न करे, उसी का नाम पार्थिव धर्म। पर्वतराज ने कहा महाराज इसको पति कैसा मिलेगा, महाराज चिंता न करो, अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय छीना। इसको जो पति मिलेगा वो कैसा होगा, सबसे पहला अगुण, 11 दोष गिनाए। ये दोष नहीं है सज्जनों, ये संसार की दृष्टि में दोष है, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में ये गुण है। भौतिक दृष्टि से ये दोष है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से ये दोष नहीं है, ये सब गुण है। अगुण अमान, नारद जी कहते हैं इसको जो पति मिलेगा ना अगुण होगा। अगुण माने जो गुण रहित हो, और दूसरा अर्थ है अगुण माने जिसके अंदर संसार का कोई गुण न हो, सारे आध्यात्मिक गुण ही गुण समाये हो। ये शंकर भगवान, ध्यान दीजिए, अमान अमान माने स्वयं मान से रहित हो, जिसके मन में मान की इच्छा ही न हो, कोई हमारा सम्मान करे ऐसी इच्छा ही मन में न हो, और दूसरे का मान करे उसका नाम अमान माने जिसके मन में सम्मान की इच्छा न हो। मातु पितु हीना, मातु पितु हीना का अर्थ है जो माता पिता से हीन हो। अर्थ क्या है, बोले जो सारे संसार का माता पिता स्वयं हो, स्वयंभू हो। उदासीन, उदासीन माने न्यूट्रल हो, न्यूट्रल रहने वाला, जिसका किसी के साथ कोई अटैचमेंट ना हो। योगी जटिल अकाम नगन अमंगल वेश, अस स्वामी इसको मिले परी हस्त सिरे। तो सजनो अस स्वामी इसको मिले, पर्वतराज रोने लगे, ऐसा दामाद हमें मिलेगा, मेरी बेटी को ऐसा पति मिलेगा, मैं नाने का बेटी मैं तुझे गले से लगा करके किसी नदी गंगा में डूब जाऊंगी, पर ऐसे पति के साथ तेरा विवाह नहीं करूंगी। कहो रहीम कैसे पटे केर बेर को समझो, केर और बेर जैसे एक नाम नहीं रह सकते। बेर केर माने होता है केला, केले का पत्ते के बगल में यदि बेर की झाड़ी होगी तो केले का पत्ता सुरक्षित रह ही नहीं सकता है, वो हिलेगा बेर की झाड़ी में जाएगा, वहां कांटे मार डालेगा। इसलिए बेटी ऐसे पति के साथ तेरा विवाह नहीं करूंगी। पार्वती की आंख में आंसू आ गए, क्यों, पार्वती जी समझ गई कि ये सारे जो दोष गिनाए हैं दोष नहीं है, ये सारे गुण हैं, और ये सारे गुण मेरे भोले बाबा में हैं, भोले बाबा मुझे पति के रूप में प्राप्त होंगे, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है। लेकिन पार्वती अम्मा ने बताया नहीं, और माँ मैं ना रोने लगी। माँ पार्वती ने कहा माँ आप रो क्यों रही हैं, अभी से क्यों आप चिंता करती हैं, बालिकाओं अभी मैं छोटी हूँ, क्यों आप चिंता करते हैं, अरे जैसे मेरे भाग्य में होगा वैसा मेरे कर्म में होगा। हिमांचल राज पर्वतराज में हिमालय वो भी रोने लगे, प्रभु ऐसा पति मेरी बेटी को मिलेगा, अंगूर के कांटों से भी उलझेगा तो मैं उसको विवाह नहीं करूंगा।
प्रातः। तो सजनों रात्रि में पर्वतराज हिमालय मैना अम्बा सब शयन किए सो गए। आज प्रातः जब उठे हैं तो पार्वती अम्बा ने अपनी माँ मैना के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ हाँ मैंने कल रात्रि में एक स्वप्न देखा। बेटी क्या देखा? कल रात मैंने एक स्वप्न देखा, एक सफेद रंग का बिल्कुल दिव्य श्वेत रंग के वस्त्र पहन करके ब्राह्मण आए थे मेरे सपने में। अच्छा क्या बोला? तो माँ और ब्राह्मण मेरे से कह रहे थे कि बेटी तुम जंगल में जाओ और तप करो और माँ आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं स्नान करके पूजा करके अब मैं जंगल में जाऊंगी और तप करूंगी। माँ मैना ने कहा, बेटी इतना सुकोमल तुम्हारा श्री अंग है, जंगल में तुम कैसी जाओगी? वहां तो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। बेटी मैं तुमको जंगल नहीं भेज सकती। पर्वत माँ पार्वती ने कहा, माँ आप तप करने के लिए मुझे मना कर रही हैं, पर ब्राह्मण ने मुझे स्वप्न में आकर के कहा है तो मुझे जंगल जाना ही होगा। आप रोके तब भी मैं जंगल जाऊंगी। तो सजनों पर पार्वती स्नान करके पूजा करके जंगल की ओर प्रस्थान किया। माँ मैना रोने लगी, बेटी मत जा मत जा, ओ माँ मत जा। उमा कहा तो पार्वती का एक नाम पड़ गया उमा। बोले उमा माता की। विजया जो उनकी प्रधान सखी है, विजया भी साथ में गई और जैसी जंगल में गए और पता चला कि कैलाश पर्वत पर बहुत दिन से भगवान शंकर समाधि लगाए। पर्वतराज हिमालय अपनी पुत्री को भोले बाबा के पास ले गई और भोले बाबा से कहा, बाबा ये मेरी बेटी है, वन में तप करना चाहती है और आप इसको कृपया अपने पास में ही रख लीजिए, यहीं तप कर लेगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, नहीं, पुरुष साधक के लिए स्त्री साधक बाधक है और स्त्री साधक के लिए पुरुष साधक बाधक है, पर हम तो आत्मा राम है, आप तो काम है, पूर्ण काम है, हमें स्त्री से क्या लेना देना। तो माँ पार्वती ने भगवान भोले बाबा के आगे ऐसा शास्त्र अध्यात्म ज्ञान दिया कि भोले बाबा का ज्ञान भी फीका पड़ गया। सजनों माँ पार्वती ने बहुत कुछ कहा, बाबा आप तो हमने सुना कि न्यूट्रल है, उदासीन है, तो न्यूट्रल है, आपका समाज से कोई अटैचमेंट नहीं है, तो क्या स्त्री क्या पुरुष आपके लिए भेद रहित होना चाहिए? आपको पता ही नहीं होना चाहिए स्त्री किसे कहते हैं पुरुष किसे कहते हैं। तो सजनों ऐसा करके अम्बा पार्वती भी कैलाश में तपस्या करने लगे। बोले जगदम्बा माता की। इधर देवता लोग भगवान भोले बाबा के पास गए, बाबा आप विवाह कर लीजिए, हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा, देवताओं विवाह में हमारी रुचि नहीं है। नमो रुद्राय देवाय मदनांतकराय च स्तुत्याय भूरिमासाय त्रिनेत्राय नमो। देवताओं ने स्तुति करी, नमो रुद्राय देवाय स्तुति करी और कहा, बाबा हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। शंकर बाबा ने कहा, देवताओं हम तो आत्मा राम है, आप तो काम है, पूर्ण काम है, विवाह से क्या लेना देना। तब देवताओं ने कहा, प्रभु आप जानते हैं तारकासुर है, तारकासुर ने वरदान प्राप्त किया है कि पहले तो उसने वरदान मांगा किसी से हमारी मृत्यु न हो। जब ब्रह्मा जी ने भगवान ने कहा कि तारकासुर मृत्यु जन्मोताम मेरा देह स गायत्री, तब दूसरा वरदान मांगा कि शंकर जी का पुत्र हो और ऋषि के द्वारा हमारी मृत्यु हो, इसलिए प्रभु आपको विवाह करना बहुत जरूरी है। तारकासुर ने अत्याचार मचा रखा है,
देवताओं के सिंहासनों को छीन लिया है, बहुत अत्याचार मचा रखा है प्रभु, और भगवान से वरदान मांगा है कि शंकर का अंश जो होगा शंकर के पुत्र से ही उसकी मृत्यु हो, इसलिए भगवान आपको विवाह करना पड़ेगा। तब भगवान ने स्वीकृति प्रदान करी, वे शंकर भगवान स्वीकृति यदा मे स्वीकृता देवी गिरिजा सर्वसुंदरी। गिरिजा, गिरिजा माने जा माने होता है पुत्री, जाया माने प्राप्ति, गिरि माने पर्वत की जो पुत्री है वो परम सुंदरी है, गिरिजा सर्वसुंदरी। तो भगवान ने शंकर ने कहा ठीक है देवताओं, इसमें यदि तुम्हारा कोई हित है तो हम विवाह जरूर करेंगे, कर लेंगे। विवाह किया भगवान शंकर ने कहा, लेकिन ऐसे विवाह नहीं करेंगे। पिछले जन्म की याद है, सती ने वाणी का दुरुपयोग किया, कथा सुन के गई थी, इसने इस जन्म में उसकी पहले ठोक पीट करके हम परीक्षा लेंगे, उसके प्रेम की परीक्षा लेंगे पहले हम। तो भगवान भोले बाबा ने सबसे पहले सप्त ऋषियों को बुलाया, ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी मूर्ति मंद तपस्या जैसी। सप्तऋषि पास पाए, अंबा पार्वती का विलक्षण सौंदर्य को देखा, ऋषिन गौरी देखी तह कैसी मूर्ति मंद तपस्या जैसी। ऋषियों ने देखा, जैसे आज पार्वती को देख करके ऐसा लगा कि जैसे साक्षात तपस्या ही मूर्ति का रूप धारण करके यहाँ पर बैठी हो, साक्षात तपस्या ही मूर्ति का रूप धारण कर लिया हो, और मूर्ति का रूप धारण करके साक्षात तप ही बैठा हो, ऐसा पार्वती को देख करके लगा। सप्तऋषि पास मंगे, सप्तऋषियों ने कहा देवी, बहुत समझाया भड़काया और कहा देवी तुम्हारा इतना सुकुमार श्रीअंग है, बर्फीली जगह है, गौरी कुंड जिसको कहते हैं, गौरी कुंड जहां से केदारनाथ की चढ़ाई प्रारंभ होती है उसको गौरी कुंड, नीचे उसका नाम गौरी कुंड इसीलिए है, माता गौरी अंबा पार्वती ने उस स्थल पर तप किया था और वर्षों तपस्या किया, इसलिए वहां पर गौरी कुंड गर्म जल निकलता है। पहले परंपरा थी जो केदारनाथ जाए और ऊपर को जब चढ़े तो उस कुंड में स्नान करके जाए और संकल्प ले, स्नान करे, तप करे, साधना करे और संकल्प ले कि यहाँ से केदारनाथ की चढ़ाई जाऊंगा, शिव नाम का जप करते हुए ऊपर को जाए, भोले बाबा का केदारेश्वर में दर्शन करे, लौट करके आए, पुनः गौरी कुंड में स्नान करे, और लौट के आकर गौरी कुंड में स्नान करेगा ना तो 18 किलोमीटर की चढ़ाई की थकान कहाँ चलेगी पता ही नहीं, अब तो वहां कुंड सब बह गया। आपदा आई थी 2013 आपदा आई थी, उसमें सब कुंड बह गया, अब तो वहां एक पतला सा नल है उसमें गर्म पानी आता है। तो गौरी कुंड, क्योंकि इन तीर्थों के तीर्थत्व को हम आपने ही नष्ट किया है और किसी ने नहीं किया, सजनों अखाद दिखाना, पेय पीना, यही सब चीजें वहां की थी। तो इसलिए जब तीर्थों का तीर्थत्व नष्ट होता है तो देवता उच्छृंखल हो जाते हैं, ऐसे ही सजनों वो तो भोले बाबा ने ये शायद एक रोम उखाड़ करके ऐसा कुछ किया हो, मंदिर को टस से मश नहीं हुआ और सारा किराना पूरा 3-3 मंजिल की बिल्डिंग सब नीचे पृथ्वी में समा गई, पता ही नहीं चला। तो ऐसा गौरी कुंड में गए और गौरी कुंड में अंबा पार्वती ने बहुत तप किया, ये शंकर भगवान की जय हो। सप्तऋषियों ने कहा देवी इतना सुकुमार तुम्हारा श्रृंग है, बर्फीली जगह है, इतना कठिन तप
तुम किसके लिए कर रही हो, तुम चाहती क्या हो, हमसे सत्य सत्य कहो। तब सत्य सत्य कहो जब कहा तो हम आपका सहयोग करेंगे, पहले बताओ कि आपका गुरु कौन है, आपके गुरु ने आपको कौन सा रास्ता बताया है। विजया ने कहा कि बता दो, विजया ने कहा बता दिया। तब ऋषियों ने सजनों, तब सप्त ऋषियों ने कहा देवी तू शंकर के चक्कर में पड़ गई, बहुत भला बुरा कहा, लेकिन अम्बा पर भला बुरा माने कोई गाली ऐसी तो नहीं कहा, लेकिन कहा तुम उनके चक्कर में कैसी पड़ी हो, क्योंकि परीक्षा लेने आई थी, आए थे सब कुछ। तो अम्बा पार्वती ने कहा कि गुरु की निंदा न जिंदगी में करना न सुनना, तुम कौन हो, तुरंत यहाँ से चले जाओ, बहुत कुछ कहा। सप्त ऋषि समझ गए कि इनके मन में भाव बड़ा प्रबल है। पार्वती जी नारद के द्वारा किसी का घर बसा भी है, तुम्हारे गुरु कौन है, कहा मेरे गुरु नारद है। अरे नारद तुम्हारे गुरु है, कहा सप्त ऋषियों ने कहा देवी नारद से आज तक किसी का घर बसा भी है कि तुम्हारा बस जाएगा। कुछ बेचारे प्रहलाद को ऐसा पाठ पढ़ाया, हिरण्यकश्यप की हत्या हो गई। चित्रकेतु को ऐसा पाठ पढ़ाया कि राज छोड़ करके जंगल में चला गया। दक्ष प्रजापति के इतने बेटा हुए, बेटा जन्म लेकर के बाहर आते 5-6 वर्ष के होते, थोड़ी होश संभालते, नारद उनको ऐसा ज्ञान देता उनको भी जंगल भेज देता। नारद से आज तक किसी का घर नहीं बसाया देवी, इसलिए अपने मन से इस बात को निकाल दो और तुम घर चले जाओ, तुम्हारे पिता राजा है। अम्बा पार्वती ने कहा बस करो महाराज बस करो, बहुत सुनो, शास्त्र कहते हैं इन दोनों की निंदा नहीं सुनना चाहिए और नहीं करना चाहिए, गुरु और इष्ट इनकी निंदा नहीं कर, तुम चले जाओ। सप्त ऋषियों ने कहा देवी किसके चक्कर में, महादेव अवगुण भवना विष्णु सकल गुण जाकर मन रम जाय सना तेही तेही सनका। नारद कपटी है, बहुत बड़ा बुरा काम, स्वयं भगवान शंकर के कहने पर तजहुन नारद कर उपदेशु, अंत में पार्वती ने कहा तजहुन नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु, आप नहीं सप्तऋषि हो, साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहें तो भी मैं नारद जी की बात को कभी टाल नहीं सकता, क्योंकि आते न वह परमेश जो गुरुदेव के अंधेरा ही अंधेरा मोह के संसार, गुरु कृपा है होते सभी रत भोग में अपना ही स्वार्थ साधते है कौन निष्कामी बना दे तालगा उपकार में। गुरुदेव के चरणारविंदो की शरण जब तक न ली दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में। वे हैं दयालु दीन वत्सल राम संशय छोड़ दे तेरा भला हो जाएगा तू रह पड़ा संसार। तो गुरु की कृपा है, पार्वती जी कहती है गुरु कृपा है, और अंत में माँ पार्वती ने कहा
जन्म कोट लग रगर हमारी परो शंभु नत रहो कुमारी। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ सप्तर्षियों, मैं पैर पकड़ती हूँ आपको। आए काफी समय हो गया है, विलंब हो रहा है, आप जल्दी यहां से जाओ। मैं जो कर रही हूँ वो मुझे करने दो। वे शंकर भगवान, मैं जो त्याग और तप कर रही हूँ उसको मुझे करने दो। यत्र योगे स्वर साक्षात् तप्यन्ते परमं तपः जगाम तत्र सुप्रीतः सदार्षव संहितः। कामदेव भी समझते हैं इसलिए तुम चले जाओ। बहुत कुछ कहा सजनो, लेकिन अम्बा पार्वती ने कहा देवताओं अपना समय नष्ट न करो। वरो शंभु नत रहो कुमारी, मैं वरण करूंगी तो भगवान भोलेनाथ का करूंगी और नहीं तो मैं कुमारी ही रहूंगी। तो इसलिए सजनो तुम्हारे जान काम अब जा रहा। ऋषियों ने कहा देवी अब तो काम को भी भगवान शंकर ने जला दिया, क्या करोगे विवाह करके। बहुत कुछ कहा लेकिन अम्बा पार्वती ने कहा कि वरों शंभु नत रहो कुमारी, मैं वरण करूंगी तो भोलेनाथ का और नहीं तो मैं कुमारी ही जीवन व्यतीत करूंगी। भगवान जब देखा सप्तऋषि दौड़ते दौड़ते भोले बाबा के पास गए और भोले बाबा से कहा बाबा वो तो आपसे इतना प्रेम करती है, अनंत प्रेम है, माइक में सबसे दुखी किया है, चूंचा कभी ऊपर कभी नीचे, अगली बार जो कथा करो माइक के लिए हमसे बिना पूछे मत। बहुत समझाया सप्तऋषि ने, जब बहुत समझाया तब शंकर जी से कहा भोले बाबा हे भोलेनाथ वो तो अनन्य प्रेम उसका आपके चरणों में है, आपको छोड़ करके किसी दूसरे की तरफ देखती भी नहीं है अम्बा पार्वती। तो भगवान शंकर ने कहा जाओ अब तुम विवाह की तैयारी करो। बोले शंकर भगवान, भोले बाबा ने अपने गणों से कहा, सारे गणों को विवाह में सम्मिलित होने के लिए बुला लिया। शिव पुराण में लिखा है पार्वती मंगल सुनते हैं जो पढ़ते हैं उनके हर कार्य मंगल पूर्वक पूर्ण होते हैं, उनके घर सदा मंगल होता है। और भगवान शंकर ने जब आज्ञा दी तो सज्जनों विवाह के लिए भगवान शंकर तैयार हो गए। भूत प्रेतों ने कहा महाराज हम भी आना है विवाह में चाहते हैं, भगवान शंकर ने कहा अवश्य आइए, हमें तो कोई आने ही नहीं देता है, कोई अपने घर में मांगलिक कार्य ये माता आगे अलग उनकी जगह हमसे अलग नहीं। शंकर भगवान हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, विश्वनाथ गंगे बाबा विश्वनाथ गंगे, हरे 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 शंकर भगवान की। दूल्हे राजा चारों दिशा में भूत प्रेत डाकिनी साकिन जितने भी हैं सबको निमंत्रण दे दो और हमारे विवाह में सबको बुलाओ। इधर अम्बा पार्वती प्रसन्न हो गई, पर्वतराज हिमालय का हिमालय पर्वत जो था आज पूरा हिमालय पर्वत जगमगा गया था। क्या कहते भगवान शंकर भी कैलाश से बरात लेकर के प्रस्थान कर गए। शंकर भगवान सारे बरातियों को बुलाया, बरात लेकर के शिव जी चले ब्याने पाल की सजाए के बहुती रमाय के हो रहा।
संग संग बराती चले फूल का सजाए के घुड़वा दौड़ाए के। कैसे कैसे बराती हैं को मुख ही विपुल मुख का हो बिनु पद कर को बिनु पद को। क्या रूप है, कितना दिव्य है महाराज नारायण सब। विशेष करके बच्चों के मन में उत्सुकता रहती है कि हम बारात को नारायण कोई दूल्हा समझे, प्रणाम किया, कहा महाराज हम दूल्हा नहीं है, दूल्हा तो पीछे आ रहे हैं। बरातियों ने सोचा बराती इतने सुंदर हैं तो उसका दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। ब्रह्मा जी आए वो भी बड़े सुंदर है, वरुण कुबेर आए, अब सब अति सुंदर अपने अपने वाहनों में बैठ करके सब आए। घरातियों ने समझा कि भैया यही दूल्हा है, उन्हीं को दूल्हा समझा, उनको प्रणाम किया, कहा महाराज हम दूल्हा नहीं है, दूल्हा तो पीछे आ रहे हैं। माता मैना परीक्षण करने के लिए आई थी, ध्यान दी, परीक्षण माने जब बारात आती है दूल्हे का परीक्षण किया जाता है। गेट पर ही माँ मैना हाथ में थाली लेकर के गई, अब तो भैया बैल पर सबकी बारात आए, घोड़े में शंकर जी की बारात आए बैल में, सब आगे मुंह करके बैठते, शंकर जी पीछे को मुंह करके बैठे हैं बैल में भी। क्यों, जब बारात आगे बढ़ी तो भूत प्रेत सबसे पीछे। भूत प्रेतों ने कहा कि प्रभु हमको आपके मुखारविंद का दर्शन नहीं हो रहा है, भगवान शंकर तो दयालु हैं, पीछे को मुंह करके बैठ गए, लो कर लो दर्शन। और जैसे मैना ने दूल्हा को देखा, बहुती रमाए करके बागंबर पहन कर मैना के हाथ से पूजा की थाली भी नीचे गिर गई। माँ मैना ने जब शंकर जी को देखा, लिखा है कि उन्हें देखते ही हाथ की थाली नीचे गिर गई और जल का पात्र गुड़क गया और मैना वहां से भाग गई, भीतर गई, बेटी को गले से लगाया, कहा बेटी मैं तुझे गले से लगा के कुछ समुद्र में डूब जाऊंगी, पर ऐसे ऐसे दूल्हे के साथ तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। माँ पार्वती ने कहा माँ तुम अपने माथे पर ऐसा कलंक क्यों लेती हो, जो होगा भगवान की कृपा से ठीक ही होगा। तब तो देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से कहा प्रभु बहुत हंसी मजाक है, शादी बरात में हंसी मजाक थोड़ा बहुत होता है, और हंसी मजाक हो गया, आप अपने असली रूप में आ जाइए प्रभु। सारा परिवार और सारा क्षेत्र जब शंकर जी को गांव के लोगों ने देखा, वो भी भैया जान छोड़ा के अपने घर भाग, छोटे छोटे बच्चे घर को भागे और अपनी माँ से कहते माँ जो बचेगा वही शादी को देखेगा, वहां सारे भूत प्रीति आने के, इसलिए हम तो सब घर को भाग करके आ गए। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी प्रभु हंसी मजाक बहुत हो गया, अब अपने असली रूप में आ जाइए। तब सज्जन भगवान जब असली रूप में आ गए तो कहना ही क्या है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे। तो भगवान जब असली रूप में आए, अब देवताओं ने माँ पार्वती देवताओं ने माँ मैना से कहा मैना तुम चिंता न करो, एक बार भोले बाबा के रूप को देखने पार्वती को गले से लगाया, बेटी इतने सुंदर हमारे दामाद जी हैं, कहा अब तो पार्वती का सौंदर्य भी भगवान शंकर के आगे फीका पड़ने लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश जितने देवता थे सब शंकर जी के आगे फीके पड़ गए, और भगवान शंकर बरात को लेकर के जब आए तो अब तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। निराले दूले में मतवाले दूले में, निराले दूले में मतवाले दूले में।
तेरे ही मुनि बाबा निरल चोलिए तेरे ही शंकर जी हैं ज्ञान और ज्ञान का मिलन बुद्धि के साथ में हुआ, भगवती महामाया पार्वती का शिव के साथ संबंध हुआ। तो सजनों, हमारी और आपकी बुद्धि भी पार्वती है
और जब उसका बुद्धि जब भगवान शंकर में लगती है तो सदगुरु हमारे घर में पार्वती मंगल होता है। पार्वती मंगल तभी घर में होता है सदगुरु। पार्वती मंगल माने घर में हर प्रकार से मंगल तो होता है, माने बुद्धि और शिव है ज्ञान। बुद्धि का सहयोग जब शिव के साथ में होता है तो घर में कार्तिकेय का जन्म होता है। और कार्तिकेय कौन है सज्जनों? कार्तिकेय की उत्पत्ति होती है और कार्तिकेय जी के छह मुख है। छह मुख माने सर्व संपत्ति के मालिक है वो। सर्व संपत्ति में सज्जनों सम है, दम है, उपरती है, तितिक्षा है, श्रद्धा और समाधान, ये सर्व संपत्ति है शास्त्र। और दम माने इंद्रियों का दमन करना, और उपरती माने विषयों से मन का उपराम हो जाना, उसको उपरती कहते हैं। और तितिक्षा माने जीवन में सुख दुख जो भी आए उनको सहन करने की शक्ति होना, उसको तितिक्षा। चौथा है श्रद्धा। श्रद्धा माने गुरु मुख से जो भी हमने सुना है श्रद्धा पूर्वक उसको सुन करके उस मार्ग पर चलने का नाम श्रद्धा है। फिर पांचवा है समाधि। समाधि का अर्थ होता है सजनों संस्कृत में, समाधि माने मन में किसी प्रकार का कोई संशय का भय, उसका नाम समाधि है। शंकर भगवान जय हो। तो बुद्धि जब शिव से सहयोग होता है तो घर में फिर सर संपत्ति के रूप में कार्तिकेय जी का जन्म होता है। सजनों पिता ने बहुत सारा दहेज दिया और जाते विदाई का समय, और बेटी का विदाई का समय कि हर व्यक्ति को व्याकुल कर ही देता है सजनों। कोई कितना भी मजबूत हो तो सजनों पिता ने बहुत सारा दहेज भी दिया। अंत में मैना ने हाथ जोड़ करके हाथ में आंसू भर करके भोले बाबा से प्रार्थना की। क्यों? क्योंकि हर माँ अपने बेटी के प्रति बड़ी दयावान होती है सजनों। बारम्बा मैना कहती भोले बाबा मुझे वरदान दे करके जा। भगवान माँ आपको क्या चाहिए? मैना कहती है बाबा मैंने अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में दिया है, मेरी बेटी भोली भाली है, काम किया ही नहीं है, इसने जन्म लिया तो तप किया है। नाथ उमा मम प्राण प्रिया गृह किंकरी करे क्षमे हो सकल अपराध सब। करके पैसे को पानी के भाव बहा देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी को ससुराल में कोई कष्ट न मिले, इसको कोई ताने सुनने को न मिले, इसलिए इतना खर्च कर देता है। विवाह के उपरांत हिमांचल ने प्रार्थना की। पहले समय में ऐसा होता था सज्जनों, जब बरातें आती थी तो दो दिन चार दिन पांच दिन में घूम जाती थी, दूर से बरात आती तीन दिन चार दिन लगता था। हमारी दादी की शादी हमारे अम्मा बताती थी कि मेरी बरात रामनगर से चौखुटिया आई। अच्छा, दो दिन आए लगा आने में, दो दिन लगा जाने में, हवाई स्पीड तो दो दिन आए। पर्वतराज हिमालय से कहा डुबकी लगाने से शरीर पवित्र होता है, लेकिन बेटी तथा पति भ्रताम दृष्ट्वा शरीर को पवित्र करना है तो हर बार जाना पड़ेगा, गंगा में डुबकी लगानी पड़ेगी। लेकिन पतिव्रता नारी के तो तथा पतिव्रता दृष्ट्वा पतिव्रता नारी के दर्शन करने से ही सकलम पावन भवे। बेटी पूरा शरीर ही पवित्र हो जाता है, बहुत सारा ज्ञान। धन्य पतिव्रता नारी नान्य पूजा विशेषतः पावनी सर्वलोकानां सर्वपापैकनाशी। पतिव्रता नारी के शरीर में पाप रहता नहीं है,
और कहाँ तक कहा जाए, बीवी बेटी पतिव्रता नारी जिसको छू ले महाराज उसके शरीर में पाप नहीं रहता है। सेवते पतिम प्रेमणाम परमेश्वरवत, बेटी पति की सेवा परमेश्वर बुद्धि से करना, पति को परमात्मा मान करके सेवा करना, तो तुम्हारा जीवन जन्म दोनों ही सफल हो जाएगा। ससुराल जा रही हो, पतिव्रता पातिव धर्म का इतना बड़ा महत्व है सदरो कि लिखा है हमारे पूरे भारत में विश्व में 3 करोड़ 10 हजार तीर्थ हैं और कोई माता का 3 करोड़ 10 हजार तीर्थों में स्नान करने का मन हो, 3 करोड़ 10 हजार तीर्थों में स्नान करके पुण्य कमाने का यदि मन हो तो उस नारी को क्या करना चाहिए। तीर्थानि तुया नारी पति पादोदकं पिबेत् तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशयः। तीर्थानि तुया नारी, 3 करोड़ 10 हजार तीर्थों का फल यदि घर बैठे किसी नारी को चाहिए तो एक काम करे, सारे गांवों के शहर के लोग जा रहे हो तीर्थ यात्रा और कोई स्त्री अपने किसी कारणवश यदि न जा पाए तो एक काम करे, तीर्थार तो या नारी पति पादो जगम कुए, अपने पति को दिव्य आसन पर बैठाए और उसके दोनों पैरों को चरणों को दोनों पैरों को परात पर रखे और दोनों पैरों को धो करके उसका चरणामृत यदि पान करे, तीर्थानि तु या नारी पति पादो दकम पिबेत् तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि न संशयः। कोई संशय ही नहीं है कि 3 करोड़ 10 हजार तीर्थों का फल उस नारी को घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणियों ने बहुत समझाया, सती अनुसुईया आप नाम जानते होंगे, महर्षि अत्रि की पत्नी सती अनुसुईया, पार्थिव पूजा रोज करती थी, पति की सेवा करती थी, 12 वर्षों तक बारिश वर्षा नहीं हुई, सब सूख गया चित्रकूट में, जिसने देखा हो चित्रकूट से 12 किलोमीटर आगे सती अनुसुईया की अत्रि ऋषि की तपस्थली है जहाँ से मंदाकिनी गंगा प्रकट हुई है। तो सजनों 12 वर्षों तक सती अनुसुईया ने अपने पति की सेवा करी, 12 वर्षों तक अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हुई और जैसे अत्रि ऋषि की समाधि खुली अपनी पत्नी से जल की याचना की, देवी जल पिलाओ हमारा कंठ सूख रहा है। तब सती अनुसुईया ने माँ गंगा का ध्यान किया और कहा माँ गंगा से कहा मेरा क्या होगा, जल कैसे मिलेगा, सब जगह सूख गया है। तब सती अनुसुईया ने कहा माँ यदि मैंने 12 वर्षों तक पति की परमेश्वर बुद्धि से सेवा की हो और पूरा पातिव धर्म का पालन किया हो तो हे माँ गंगा आप एक रूप से यहाँ प्रकट हो जाओ। जैसी ऐसा कहा सतनो ऐसे पेड़ के नीचे से ऐसा जल निकलने जैसे फुव्वारा फूट गया हो पृथ्वी से, आज भी वहां पेड़ के नीचे गंगा निकलती है। अभी पातिव धर्म का इतना बड़ा प्रभाव है, जमीन खोदा और वहां से जल प्रकट हो गया गंगा मैया। तो मंदाकिनी गंगा चित्रकूट में बहती है सजनों और पातिव धर्म का इतना बड़ा प्रभाव है। पिता धन्य यत्र नारी गाय यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रै तास्तु न पूज्यन्ते सर्वा तत्रा फला क्रिया। लेकिन नारी भी जब नारी बनकर के पतिव्रता नारी के पति की आयु बढ़ती है और पति को भी अपनी पत्नी का खूब सम्मान इज्जत करना चाहिए, आदर करना चाहिए, माता पिता भाई बहन सबको छोड़ करके अपने पति के आश्रित होकर के आती है और पति को भी अपनी पत्नी को खूब प्यार करना चाहिए, खूब स्नेह प्रेम करना चाहिए। ये शंकर भगवान नारी शिक्षा के बाद अम्बा पार्वती की विदाई का समय आया।
माता पार्वती भी सजनों एक सामान्य कन्या का अनुसरण करते हुए विवाह किया। माता पिता भाइयों से बिछोड़ के समय कौन ऐसी बेटी संसार की होगी जिसके हाथ में आंसू दिया। कई बार तो शहरों में तो आजकल तो शहरों में तो नहीं रोती है कन्या, वहां तो मम्मी बाय पापा बाय सी, वहां कोई रोता नहीं। आज से हमारे बगल में एक शादी हुई थी तो मुझे बताते कहते वहां वो तो माने तो रोई नहीं मैं तो उसके आम और तो मम्मी बाय कह के चली गई सीधे। मैंने कहा ऐसे होता है शंकर भगवान। तो अम्मा पार्वती भी सामान्य कन्या का अनुसरण करते हैं कि माँ के गले लगती रोती कहीं पिता के गले लगती रोती, सामान्य कन्या का अनुसरण करते हैं रोने लगे। और उनकी बात छोड़ो सजनो, उस विरह के वातावरण में भगवान शंकर की आंख से भी आंसू निकल गए। शंकर भगवान, भगवान शंकर के भी आंसू निकल पड़े। सारा समाज जितने लोग शादी में थे, जितने लोग रात को नाच गाना कर रहे थे, अभी सबके आंख में आंसू बहने लगे। बड़े बड़े हिमालय के पत्थर के चट्टान भी पानी बन के पिघल के बहने लगे। पर्वतराज बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियां सब पानी बन के पिघल करके बहने लग गई। और माता पिता भाइयों किसे बिझो के समय अम्मा पार्वती भी रोने लग गई, सामान्य कन्या के समान रोने लग गई। मैना भी रोती है पर भगवान भोलेनाथ से कहते हैं, भोलेनाथ प्रभो मेरी बेटी को कुछ नहीं आता है, हमें कष्ट दे देना पर बेटी से कुछ मत कहना, इससे बहुत सारी गलतियां होंगी, अपने चरणों की दासी बना करके इसको रख लेना। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है, बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है, बाबुल का ये घर गौरी, बाबुल का ये घर गौरी कुछ दिन का ठिकाना है, बाबुल का ये घर गौरी कुछ दिन का ठिकाना है, बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना, बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है, बाबुल का ये घर बोल तेरी बगिया पूछे घर पिया का सजाना है, बाबुल का ये घर बहना
तू ये क्या जाने भैया के क्या बीत रही रहना तू ये क्या जाने कलेजे के टुकड़े को कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुला विवाहित्वा गिरिजा
शंकर लोक शंकर गत्वा स्वपर्वतं ब्रह्मं किं कर्माणि। जगनों भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। पार्वती क्या है मैंने बताया आपको, पार्वती हमारी बुद्धि है, पार्वती माने बुद्धि, और बुद्धि का संयोग जब शंकर के साथ में होता है तो हमारे घर में पार्वती मंगल होता है। ये शंकर भगवान तो ब्रह्मा जी ने विवाह की रस्मों को पूर्ण किया, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए, भगवान श्रीमन नारायण जी अपने लोक को चले गए, सब देवता चले गए, और दूल्हा दुल्हन मिल गए। की परी बरात हर कन्या के मन में होता है कैसे विवाह होगा, कैसा मेरा पति होगा, कैसा मेरा घर होगा, लेकिन भोले बाबा तो शमशान घाट में लेगे। माँ पार्वती ने कहा भगवान घर चलो, हर कन्या के मन में रहता है देखा तो होता नहीं, तो मन में विचार करती है कैसा पता नहीं घर होगा, भोले बाबा शमशान में ले गए। अम्बा पार्वती ने कहा भोलेनाथ घर चलो, भगवान शंकर ने कहा देवी यही तो है हमारे घर। भगवान क्या कहते हो, कहा देवी ये संसार में जितने बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं ना, बड़े बड़े पैसे वाले कोठी वाले बंगले वाले, और एक कोठी नहीं दस दस कोठियों वाले जितने बड़े बड़े लोग संसार में दिख रहे हैं, इनका बड़ी भले ही इन्होंने संसार में बड़ी से बड़ी कोठी बनाई, लेकिन सबका असली घर ये शमशान ही है, इसलिए हमने इसको पहले ही अपना घर बना लिया। ये शंकर भगवान देवी इसलिए हमने इसको अपना घर बना लिया, पहले ही घर बना लिया। अम्बा पार्वती ने भी एक बार चित करी सजन, देखा कि सबके इतने बड़े बड़े महल हैं, सरस्वती के इतने बड़े महल, लक्ष्मी के इतने बड़े बड़े महल वैकुंठ में, और भोलेनाथ से कहा प्रभु हमें भी ऐसा घर बना करके दो जो त्रिलोकी में जैसा घर किसी के पास न हो, ऐसा घर हमें बना के दो। माताओं के मन में रहता ही है पड़ोस के घर में भी कोई नए डिजाइन का सोफा दे करके आएंगे तो पति ऑफिस से घर नहीं पहुंचा होगा फोन वही कर, तुमको पता है ना, पता नहीं है पड़ोसी कितने बढ़िया सोफा लेकर के आए, हम पुराने सोफा में बैठ बैठ के परेशान हो गए। तो माताओं के मन में रहता ही है कि पड़ोसी का घर ऐसा बने तो मेरा ईश्वर भी अच्छा बने, ऐसा अम्बा पार्वती के मन में भी आया। भगवान शंकर है नहीं, अम्बा ने कहा बनाओ तो सही, भगवान शंकर ने रात्रि में विश्वकर्मा को आदेश दिया, विश्वकर्मा ऐसा घर बनाना जो त्रिलोकी में किसी के पास ना हो, मणियों से जड़ित जिनके खंभे हो, सोने के जिनके दरवाजे हो, और जल में स्थल का भ्रम हो, स्थल में जल का भ्रम हो, ऐसा फर्श बनाओ। अब तो विश्वकर्मा को समय बहुत लगा, लेकिन घर बड़ा आलिशान बनाया साहब, घर इतना सुंदर बनाया कि कहना ही क्या है, जो भी घर में प्रवेश करता चम 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 पिलर भी चमकते थे, मणियों से जड़ित पिलर थे, घर बन करके तैयार हुआ। विश्वकर्मा ने भोले बाबा से कहा बाबा घर बन करके तैयार हो गया है। अम्मा पार्वती ने कहा ऐसे थोड़ी, पहले मैं देखूंगी कोई कमी तो नहीं है, जगवार के नल लगे हैं कि नहीं लगे, लोकल तो नहीं लगा, दरवाजे कैसे लगे सब देख करके आऊंगी। अम्मा पार्वती ने पूरे घर का निरीक्षण किया, परीक्षण किया, बड़ा सुंदर है, नीचे आकर गया, विश्वकर्मा धन्य हो तुमने दिव्य घर बनाया है। तो भगवान शंकर ने कहा देवी घर में ऐसे नहीं रहते हैं, पहले गृह प्रवेश करवाते हैं, गृह प्रवेश के लिए किसको बुलाए, बोले घर इतना सुंदर है तो इस भूमंडल का जो सबसे बड़ा पंडित हो, सबसे बड़ा ज्ञानी हो, तो सबसे बड़ा विद्वान हो, उसको बुलाओ गृह प्रवेश करने के लिए। पता करवाया तो भूमंडल का उस समय का सबसे बड़ा पंडित रावण था, रावण से बड़ा कोई पंडित नहीं था, तुम्हारा रावण को ही बुलाओ। रावण जी महाराज पहुंच गए 108 पंडितों को लेकर,
आजकल हम लोग घर तो बनाते हैं सुंदर, लेकिन ग्रह प्रवेश तो पंडित जी आने के सत्या ने कथा कर देना हो गया ग्रह प्रवेश, इतने से नहीं होता है सचो। रावण जी की सूचना मिल रही थी कि लोग कह रहे थे, पंडित जी लोग कह रहे थे महाराज जी जैसे अपने यहाँ कुठौरा गए और रानी के आश्रम में होता है ना, ऐसी भंडारा यहाँ भी चल रहा है। कम से कम 1 से 1.5 हजार लोग रात को, रात में अभी भोजन करना शुरू हो जाती है, 1 से 1.5 हजार लोग कमल कर रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है खिलाने में भी और लोगों को प्रसाद पाने में। और यहाँ भी आजकल रोज भंडारे चल रहे हैं, और आज हमारे मध्य में तो आपके क्षेत्र के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, माननीय विधायक जी और मनोज तिवारी जी पधारे हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। एक गुरुजी मंदिर और शिव शक्ति जो सत्येश्वर महादेव मंदिर, इससे लोगों की इतनी श्रद्धा जुड़ी है। अभी मैं रामनगर गया था और वहाँ भी इससे पहले भी हम गए तो वहाँ के विधायक श्री करण मेहरा जी थे, तो उनसे मैंने निवेदन किया और अभी वहाँ कम से कम कितने लोग आते हैं कथा में, हमारे पंडित जी लोग कथा करके सीधे यही आ रहा हूँ। 3 तारीख को वहाँ विश्राम किया, 4 को यहाँ है, यहाँ पर मैं लोग आ गया, तो उनसे हमने प्रार्थना ऐसा किया था तो उन्होंने कम से कम 1000 से भी ज्यादा लोग उस टेंशन में बैठ गए। रामनगर के पास में बासोट एक जगह है और बहुत ही आलीशान कालिका का मंदिर लगभग 1.25 करोड़ रुपए की लागत से बना है, बहुत भव्य है। तो महाराज जी ने वहाँ 1000 लोगों के बैठने लायक बहुत दिव्य टेंशन बना दिया, और तो भगवान की कृपा है। तो ऐसे ही यहाँ भी मैं देख रहा हूँ परसों बारिश आई, बहुत परेशानी होगी, यहाँ पक्षों की भी परेशानी है, यहाँ तो विधायक जी जितना दे दें उतना कम है सारा, और यहाँ आपका बहुत बड़ा वोट बैंक भी है, ये भी समझ लो शंकर भगवान की सत्येश्वर महादेव। और आप कहें, मैं भी कथा के बाद उनको आगे आमंत्रित करूँगा और 2 मिनट वो अपना कुछ वाणी से बोलेंगे भी। तो सजनों, आप लोग, भगवान ने आपको सत्ता समय पद सब कुछ दिया है, आप लोग समर्थ भी हैं, इसलिए जनता की आपसे बहुत बड़ा ये रिक्वायरमेंट रहती है, जनता की आपसे आशा रहती है, तो इसलिए उनकी आशाओं को पूर्ण करना ये भी आपका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है, ये राजा का उत्तरदायित्व होना भी चाहिए। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग श्री धर्मान आस्था का प्रतीक इस सत्येश्वर महादेव की इस बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक जो मंदिर है, इसके इस स्थल में प्राण के जो कथा का आयोजन किया गया है, इसके बहुत ही शुभ अवसर पर व्यास जी की गद्दी पे विराजमान और आपको सुनने का अवसर अली ग्राम सभा में मिला था, जो आज की आवश्यकता है कि हमारी कैसे संस्कृति को उसके उन्नयन के लिए कैसे कार्य करें, जो हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं, उसके लिए आप लगातार प्रयासरत भी हैं। ऐसे व्यास जी की गति पे विराजमान महंत, परम पूजनीय महंत रविदास जी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और वैसे तो पूरे देश के अंदर इस समय भक्तिमय माहौल हो रहा है और विशेषकर हमारी उत्तराखंड की देवभूमि में तो देखने लायक हो रहा है। श्रावण का महीना है, शिवपुराण का कथा का आयोजन हो रहा है, कई अन्य आयोजन हो रहे हैं, रामायण के हो रहे हैं, कई सुंदरकांड के हो रहे हैं, और वास्तव में भक्तिमय माहौल हो रहा है और अंदर से एक भाव जागृत हो रहा है कि हम ऐसे भारतवर्ष में रहते हैं, ऐसे उत्तराखंड में रहते हैं जिसकी अपनी संस्कृति, अपनी विश्वविख्यात है। ऐसी संस्कृति देखने कहीं अवसर नहीं मिलेगा, आप में से कई लोग भी बाहर गए होंगे, विदेशों में गए होंगे, मुझे भी कई जगह जाने का अवसर मिला है, वहां की संस्कृति भी मैंने देखी है, आपने भी देखी होगी, लेकिन भारत की जैसी संस्कृति और इस उत्तराखंड की देवभूमि की संस्कृति देखने लायक है। तो ये हम सबके लिए स्वाभाग्य की बात है कि ऐसी भूमि में हम सबको जन्म लेने का अवसर मिला है।
और मैं आप सबसे सिर्फ यही कहूंगा, क्योंकि ये धार्मिक आयोजन है, हम सबको एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम ऐसी भारत की देवभूमि में, उत्तराखंड की देवभूमि में हम लोगों ने जन्म लिया है। हमारा पहला कर्तव्य बनता है, पहला बनता है कि जो ऐसे संत महात्माओं ने, जो ऐसे महापुरुषों ने जिन्होंने विभिन्न कंदराओं में, उस श्रृंखला में, उस वनाच्छादित क्षेत्र में ध्यान केंद्रित किया, ज्ञान अर्जित किया, उस ज्ञान को अपने तक ही सीमित नहीं रखा, अपने तक ही आत्मसात नहीं किया, उसको हम सब के बीच में बिखेरने का काम किया, उसको प्रचारित करने का काम किया। हमारा संकल्प होना चाहिए इस मंच के माध्यम से कि हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो गौरवशाली परंपरा है, जो हमारा इतिहास है, उसको हम उसके उन्नयन के लिए कैसे वो हम आगे उसको बढ़ाएं, उसके लिए हम सबको आगे अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए। हम सबके अंदर एक संकल्प आज हमें लेना पड़ेगा। प्रबोधन, उद्बोधन और आपके बीच में जो भी मैं बाधा पहुंचाऊं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, और कोई भी अगर मुझसे त्रुटि उसके लिए क्षमा चाहता हूं। पुनः आपको नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत के लिए दो मिनट सभी लोग। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। दो में जाते पुता दीजिए शिव पुराण सन मार्ग दिखाने वाला, सब जुगुरु बनाने वाला, ये महाग्रंथ है शिव पुराण सन मार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला, सब के सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान।